दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। हिंदू सिख एकता क्लब पठानकोट की ओर से करवाए जा रहे 23वें विशाल जागरण के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के कार्ड के विमोचन की रस्म अदा की गई, जिसमें पठानकोट के विधायक अश्विनी शर्मा ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर शहर की कई सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्लब के प्रधान निर्मल सिंह पप्पू ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27 सितंबर को महामाई का जागरण बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गायक मास्टर सलीम, सन्नी साहब व वृंदावन से व्रज रसिक पंडित नितिन जी महामाई का गुणगान करेंगे। इस अवसर पर क्लब के चेयरमैन श्री एस के पुंज ने बताया कि 20 सितंबर को क्लब की ओर से फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और इसी दिन ही भंडारा भी लगाया जाएगा और 26 सितंबर को शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। मैं इस क्लब का चेयरमैन होने के नाते पठानकोट नगर वासियों को और पठानकोट के आसपास के सभी देवी भक्तों के चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आओ 27 तारीख को रामलीला ग्राउंड में महामाई का जागरण है और आगे महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो और महामाई आपके सभी मनोकामना पूरी करेगी। जय माता दी। हिंदू सिख एकता क्लब वालों हर साल महामाई का जागरण करवाया जाता है। इस बार 23वां महामाई का जागरण 27 सितंबर दिन रविवार रामलीला ग्राउंड के मैदान च हो जा रहा है, जिदे अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर के गायक सलीम जी और उन्होंने टीम, फिर ब्रिजवासी कृष्ण लीला करने वाली टीम एक आ रही है। मैं पठानकोट की धर्मपरायण जनता के अगे निवेदन करदा हिंदू सिख एकता क्लब वालों कि आओ 27 तारीख दिन रविवार रात को रामलीला ग्राउंड के मैदान च पुजिए और महामाई के जागरण का हिस्सा बनिए और अपने जीवन सफल बनाइए।